हेलो गाइज, मैं हूं नईम और आप देख रहे हो पैटर्न मास्टर जी। तो गाइज, आज के क्लास में हम और एक नया डिजाइन का पैटर्न क्रिएट करेंगे। जो हमने पिछले क्लास में दिखाया था किमोनो स्लीव, किमोनो स्लीव का बेस पैटर्न बनाना दिखाया था और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था। अगर आप लोग ना देखे होंगे तो किमोनो स्लीव का पैटर्न बनाना देख लीजिए, उसके बाद आप बहुत टाइप का, अगर बेस बनाना आप जान जाओगे तो बहुत टाइप का आप किमोनो स्लीव बना सकते हो। तो गाइज, आज के क्लास में हम उसी बेस पैटर्न को इस्तेमाल करके और एक नया डिजाइन जो कॉमन है, बहुत कॉमन है, इजी है, शॉर्ट टाइम में बन जाएगा, वही पैटर्न आज बनाएंगे। तो गाइज, हम उसी टेक्निक पे हम काम करेंगे जो शुरू से काम करते आ रहे हैं, वो इटालियन टेक्निक है। लेकिन गाइज, हमारे इस चैनल पर इटालियन पैटर्न मेकिंग के अलावा इंडियन पैटर्न मेकिंग, काटिंग, पैटर्न का ग्रेडिंग, स्टिचिंग, हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलता रहेगा, आपसे मिस ना हो जाए गाइज। इसलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिलेगा। तो गाइज, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो गाइज देखिए, ये है शर्ट की पैटर्न। ये पैटर्न को देखिए, ये है उसकी शर्ट। तो हमारा जो बेस पैटर्न है यहीं तक, उसी से थोड़ा सा आपको नीचे 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास आपको बढ़ाना है। बढ़ाने से वही चीज आपको बन जाएगा एंड देन इसको स्लीव्स अटैच करना है, बस इतना ही है। ये जितना जो ऊपर का टॉप होता है या फिर गाउन होता है, सब इसी पैटर्न से ही आपको बनाना पड़ेगा। तो आज देखो, हमारा जो इतना दूर तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास में हमने दिखाया था जो वेस्ट तक ही हमारा जो पैटर्न बना हुआ है, और इतना दिन से जो हम काम करते आ रहे तो इसी वेस्ट पैटर्न से। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ये कितना बढ़ेगा, 15 से 20 सेंटीमीटर या फिर 22 सेंटीमीटर या फिर मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है लॉन्ग, ठीक है। मेन ये जो बेस पैटर्न होता है, ये तो हमने बनाना दिखाया था, लेकिन जो लोग नहीं देखे तो फर्स्ट क्लास में जाके आप डार्ट और विदाउट डार्ट पैटर्न, ये दोनों पैटर्न को आपको सही से समझना है, उसके आगे बहुत आसान है इस चीज को बनाना, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें पहले बेस पैटर्न, पुराना बेस पैटर्न को हम निकाल लेते हैं। ये है पुराना बेस पैटर्न। तो गाइज देखो, ये है मेरा जो मेन बेस पैटर्न, वही बेस पैटर्न, ठीक है। तो ये है डार्ट वाला और ये विदाउट डार्ट। तो विदाउट डार्ट में भी बनेगा, लेकिन पहले आज हम बनाएंगे ये वाला बेस पैटर्न। इस पैटर्न को चाहे आप कॉपी कर लो या फिर इसी को ऊपर ही हम काम करेंगे, ठीक है, दिखाएंगे। लेकिन जो लोग मैनुअल करोगे, ठीक है, तो उसी टेक्निक को ही आपको फॉलो करना है। जरूरी नहीं है ये पैटर्न बनाने के लिए आपके पास एक लैपटॉप होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर होनी चाहिए, तब आप अच्छा पैटर्न मास्टर बन सकते हो या फिर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक अच्छा मास्टर बनना चाहते हो तो फिर आपको टेक्निक को फॉलो करना है, ना ही आपको मैनुअल या फिर कैड इस चीज को आपको देखना है। जो आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होगा तो अच्छा मास्टर बन सकते हो, नहीं हम तो मैनुअल पे भी बनाएंगे, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो कैड पे थोड़ा सा आसान होता है लेकिन टेक्निक सेम है, ओके। तो चलिए आज इसी के ऊपर ही हम काम करेंगे। इसको चाहे आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो फिर इसी के ऊपर ही काम कर सकते हो, लेकिन ये मेन बेस पैटर्न, इसको आपको संभाल के रखना है या फिर इसी को आपको फॉलो करना है आगे, ठीक है। अगर मैनुअल पे इस पैटर्न को अगर आप इस्तेमाल कर दोगे तो फिर बाद में आप जब दूसरा डिजाइन क्रिएट करोगे तो फिर आपको एक नया बेस बनाना पड़ेगा, बेस पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो मेरा सजेस्ट ये है, जो आप इस पैटर्न को कॉपी करके ही हमेशा चलते रहो, ठीक है। अच्छा देखो, इस वेस्ट से हमें 15 से 20 सेंटीमीटर और ऐड करना है। चाहे ऐड करने के लिए आप इसको एक्स्ट्रा एक पैनल, जैसे हमने इसकी लेंथ रखे है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये है 50 सेंटीमीटर और हमने जो 43 सेंटीमीटर रखा था उस जगह पे हमें रखना है, मान के चलो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक नया पैटर्न आ गया यहीं पे। ये मैनुअल के तरीके पे हम दिखा रहे हैं, चाहे तो आप यहीं से इस टूल्स को इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हो, लेकिन इसमें आपको डार्ट लंबा हो जाता है, फिर इसको डिलीट करके फिर रिक्रिएट करना है, तो उससे अच्छा मैनुअल तरीके पे हम दिखा रहे हैं। जो मैनुअल पे भी अगर करोगे तो ऐसा एक पैटर्न को आपको ऐड करना है इस जगह पे, ऐड करने से उसके बाद फिर डार्ट दे दोगे और कॉपी करके इसको बैक और फ्रंट को अलग कर दोगे,
तो वही चीज हम दिखा रहे हैं। जैसे जे फॉर जॉइंट, ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, जे फॉर जॉइंट टू लेकर हम इस पॉइंट को इसको ज्वाइंट कर देंगे। देखो ज्वाइंट करने का जो तरीका होता है ये, और एक बार दिखा देता हूं, ज्वाइंट टू ले लिए, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रखेंगे तो देखो ये जो ज्वाइंट का ये है तो आपको इस तरफ ज्वाइंट होगा, ठीक है। जैसे हम करके दिखाएंगे, देखो ये इस तरफ ज्वाइंट हो रहा है ना, तो ये ज्वाइंट करने का जो तरीका है आपको नीचे से, आपको आप जब भी इसको पॉइंट से पॉइंट डालोगे, ठीक है, तो वहीं पे दिखाई देगा एक, जो ये पहले हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रखा था तो बाहर की तरफ ये कर्व आया था, लेकिन ये अंदर की तरफ आ रहा है, यानी इस लाइन पे आपको ये पॉइंट ज्वाइंट होगा, देन ये एक बन गया। ओके, तो हमें एक यहीं पे चाहे तो आप लाइन दे सकते हो इस जगह से इस जगह पे 20 सेंटीमीटर एक लाइन आ गया। ओके, अब देखो ये डॉट को बढ़ाना है, ये डॉट को कितना सेंटीमीटर बढ़ाना है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे करेंगे बैक में भी, लेकिन बैक में ये आर्मोल तक, आर्मोल लाइन तक है, लेकिन हमें उतना लंबा नहीं करना है, ये फ्रंट पे जितना आप लंबा करोगे उतना ही आपको बैक में करना है, लेकिन फ्रंट पे कितना है ये ऊपर की तरफ आपको मेजर करके देखना है, तो उतना ही नीचे करना है, ठीक है। तो मेजर करके देखते हैं, जो ये फ्रंट में आप, तो ये मेजर करके देखते हैं फ्रंट में डॉट का लेंथ क्या है, ये डॉट का लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो हम 12 सेंटीमीटर बैक में और फ्रंट में दोनों तरफ ही हम देंगे, माइनस 12 एक गाइडलाइन का सहारा ले लिया, उसके बाद और एक गाइडलाइन इस सेंटर पे रखेंगे और एक गाइडलाइन इस सेंटर पे रखेंगे, ठीक है। देन डी फॉर ड्रॉप टू लेकर आपको सही पॉइंट से जूम करके देख लीजिए, इस जगह पे आपको एक पॉइंट देना है और एक इस पॉइंट को यहीं पे एंड करना है, फिनिश सेम बैक में भी करना है, ठीक है। ये तो हो गया, अब और एक करना है, ये वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट से बिल्कुल सीधी आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब जो ये डॉट है इस डॉट को भी आपको इस पॉइंट पे मिलाना है, इस पॉइंट से ठीक है, ये हो गया। चाहे तो आप इस, ये जो पैटर्न था इसी में भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेन बेस पैटर्न सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब हम इसको करेंगे काट, कंट्रोल ऑल जी गाइडलाइन को डिलीट कर दिए। अच्छा, बैक और फ्रंट को कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए हम तो ज्यादातर ये ट्रेस सेगमेंट वाला टूल्स यूज करते हैं। बिल्ट वाले में क्या होता है, बिल्ट में थोड़ा सा दिक्कत कभी कभार होता है, ये जो बिल्ट हो रहा है ना ये कभी कभार इसमें भी आ जाता है, तो हम वही ट्रेस एंड सेगमेंट वाला टूल्स ही ज्यादातर यूज करते हैं। इसको भी सही से आपको देखना है जो हर एक जगह पे, इसमें भी हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। अब जो मेन पैटर्न है इसको हम अलग कर देते हैं, अब कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ लाइंस है इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये वाला सब जो अनवांटेड पॉइंट ये अभी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि प्लेन साफ सुथरा बिल्कुल एक बेस पैटर्न चाहिए। अच्छा देखिए, ये तो मेरा पैटर्न बन गया बैक और फ्रंट, इसमें और एक काम है, थोड़ा सा काम ये है, जो ये साइड का जो चाइनीज काट होता है ये इस पॉइंट से कितना सेंटीमीटर उठाने से आपका ये आपका एक शेप होता है, जो ये आर्क होता है, ये कर्व नहीं आर्क होता है, ये आर्क वाला शेप आपको देना है। तो ये देखो बेसिकली होता है ये 6 से 8 सेंटीमीटर तो बोल दिया, लेकिन आप इसमें 5 से 6 सेंटीमीटर रखो एनफ, ठीक है।
तो इससे कम भी होता है, इससे ज्यादा भी होता है, ऐसा नहीं है जो 5 से 6 सेंटीमीटर ही चलता है, ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा भी होता है ये चाइनीज कट कभी कभार। ये इस जगह पे बहुत ये डीप भी होता है, आप मार्केट में देखे होंगे शायद, एक एक शर्ट होता है जो चाइनीज कट से बहुत नीचे की तरफ यू, बिल्कुल यू टाइप का शेप होता है। ये डिपेंड करता है आपके स्केच के ऊपर, आपका जो डिजाइनर किस टाइप का आपको स्केच देता है। तो हम वही चीज करेंगे जो एक नॉर्मली होता है 5 से 6 सेंटीमीटर का, हम एक यहीं से पॉइंट दे देंगे, जैसे हम दे देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर की जगह 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है, उस चीज को आपको क्लियर करना है। तो हमने 2 डॉट दे दिए। अच्छा अब हम इसको, अच्छा यहीं पे जो आपको घुमाना है इस जगह से, कहां से आप इस जगह को आर्क करोगे, ठीक है, ये बीचों बीच एक सेंटर होगा, तो उसी सेंटर से फॉलो करके आपको घुमाना है। जैसे हम इस जगह पे रखेंगे एक गाइडलाइन, देन इस यहीं पे एक एक नॉर्मली एक पॉइंट दे देंगे, क्योंकि ये बहुत आपको गाइड करता है, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देंगे। अब देखो ड्रॉप टू लेकर हम सीधा बिल्कुल इस जगह से इस पॉइंट पे लाके छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम बैक में भी वही करेंगे, इस पॉइंट पे लाके छोड़ देंगे। अब करेंगे मूव टू लेकर, इसको थोड़ा सा, अच्छा इसको आपको कर्व करना है, ठीक है। अब फिर इसको अगर ये समझ ना आए तो यहीं पे एक आप गाइडलाइन रख देना, क्योंकि ये कंट्रोल टी ये बहुत हेल्प करेगा, जो ये लाइन कभी कभार ऐसा होता है जो इस जगह से बहुत ऊपर चला जाता है, आपको ध्यान नहीं रहेगा शायद अगर गाइडलाइन ना रहे, या फिर आप मैनुअल करोगे तो एक लाइन ड्रॉ कर देना इस जगह पे, ठीक है। अच्छा तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से बारीकी से आपको देख के मिलाना है, ठीक है। देखो जैसे ये हमने जब भी उठाया ना, इस लाइन से नीचे आ गया, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो फिर ये आपको अच्छे से शेप देना है, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा ये जब अलग से करोगे फ्रंट और बैक, हो सकता है ये एज इट इज ना बने, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पैनल को आपको फ्रंट के ऊपर रखना है, या फिर जिसमें पहले करोगे ड्रॉ करोगे, जैसे अगर बैक में अगर पहले आप ड्रॉ करोगे तो बैक वाला पैनल को फ्रंट के ऊपर रखना है, देन इसको सेम आपको बनाना है। तो इसके लिए हमें ये बैक वाला पैटर्न को हम इसके ऊपर रखेंगे, अब इसको सेम बनाएंगे। कंट्रोल टी, अब हम इसको घुमा देंगे। अब देखो ये दोनों पैनल बिल्कुल सेम हो गया। अच्छा इसी के ऊपर एक बात कह देता हूं, जो देखो ये जरूरी नहीं है सेम टू सेम, क्योंकि ये कर्व, क्योंकि दोनों का जो साइज है बैक और फ्रंट का, लेवल जो नीचे का होता है वो बिल्कुल सेम है, इसीलिए कहीं कहीं डिजाइन आपको ऐसा मिलेगा जो सामने का बहुत शॉर्ट है, मतलब इतना ही है, और पीछे का बहुत लॉन्ग है, यू टाइप का, मैंने पहले जब बताया था जो यू टाइप का होता है, तो उसमें आपको ये शेप नहीं मिलेगा, आपको इस जगह पे शेप मिलाना जरूरी है, क्योंकि ये जो पॉइंट देखो, जब आप साइड सीम जोड़ोगे आपको ये साइड सीम का सेम रखना है, उसके बाद फिर पीछे का बहुत टेल होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्केच के ऊपर। तो बस ये तो मेरा फाइनल बन गया, अब इसमें काम क्या रह गया। अच्छा अब इसको हम कॉपी करेंगे, लेकिन कॉपी करने के लिए अगर आप इसमें बिल्ड करोगे, देखो ये गाइडलाइन की वजह से डिवाइडेड कर दिया, तो इस गाइडलाइन को पहले डिलीट कर देना, या फिर कंट्रोल ऑल जी करोगे तो ऑल गाइडलाइन डिलीट हो जाएगा, एक से ज्यादा होगा तो। फिर इसको बिल्ड करना, ठीक है, सही से देख लेना जो किसी जगह पे छूट तो नहीं गया, फिर उस जगह पे आपको फिल करना है। ये मेन पैटर्न है, ये दोनों फाइनल पैटर्न।
देखो ये तो मेरा फाइनल पैटर्न बन गया। अब इसमें क्या रह गया, दो पैटर्न कैसे आ गया, एक को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें रह गया स्लीव्स, स्लीव्स और कॉलर। तो स्लीव्स और कॉलर मैंने नेक्स्ट क्लास में हम दिखाएंगे, तो इस टेक्निक को सही से आपको फॉलो करना है, देन बाकी आगे का जो काम है बहुत शॉर्ट टाइम में बन जाएगा। ये टेक्निक को फॉलो कर लोगे तो बहुत इजी होगा। ठीक है, अब एक चीज है, छोटा मोटा एक चीज है, देखो एक मैं चीज दिखा देता हूं। जैसे आप इसको, ये तो फाइनल पैटर्न मींस ये एक बेस पैटर्न बन गया, लेकिन इसके ऊपर आपको सीम ऐड करना है। लेकिन सीम ऐड करने के लिए मैंने पिछले क्लास में दिखाया था, लेकिन अभी बाद में दिखाएंगे। जो सीम ऐड करने के लिए आपको यहीं पे एक चीज आपको देखना है, जो इस जगह से आपको कितना सेंटीमीटर यहीं पे रखना है, या फिर इसमें साइड में कितना सेंटीमीटर रखना है, या फिर नीचे कितना सेंटीमीटर रखना है, इस चीज को आपको फॉलो करना है। थोड़ा बहुत हम दिखा सकते हैं, जैसे हम इसमें जैसे अगर करोगे तो नीचे का 2 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर मार्जिन आपका ऐड हो गया। या फिर साइड सीम में जो है आप इस जगह से ये आप मान लो 1.5 सेंटीमीटर का आप रख सकते हो, ठीक है, और इस जगह पे आर्मोल पे मान लो आप 1.5 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर कुछ भी आप रख सकते हो। चलो मैंने 1.5 सेंटीमीटर भी, ये मैं दिखाता हूं इसलिए, जो इस तरह आप सीम ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो बाद में हम दिखा सकते हैं, लेकिन आपको टेक्निक को फॉलो करना है। टेक्निक जान जाओगे तो ये सब चीज तो मतलब एक ही बार देखोगे तो फाइनली बना दोगे। अच्छा बस इतना ही है, लेकिन और एक इसमें थोड़ा सा काम रह गया, वो है इस जगह पे जो पॉइंट एक कोना है, लेकिन ये अगर आप काटोगे तो इस जगह पे कोना नहीं, इस जगह पे थोड़ा सा राउंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप कैसे भी करके बना सकते हो, ठीक है, इस जगह पे राउंड देने के लिए। ये तो हम बाद में देंगे। देखिए इस पॉइंट को हम कर देंगे कर्व, देखो थोड़ा सा ये कर्व आ गया, देन इसको आप अच्छे से शेप दे सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एक पैटर्न का फिनिशिंग भी होता है, और जब इसकी गारमेंट बनाओगे तब भी इसकी एक अलग ही मतलब जो शेप होता है ऐसा ही होता है। बोलने का मतलब यह है, जो शेप होता है ऐसा कोना नहीं होता है, जो इस जगह पे वेस्ट पे कोना होता है ऐसा नहीं है। आप इसको चाहे तो हल्का सा और भी इसको शेप दे सकते हो। ठीक है, इस चीज को आपको देखना है, फॉलो करना है सही से। तो गाइस बस आज का क्लास इतना ही है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा काम या फिर टेक्निक अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।